तो यही है लिट्टी है ना। हाँ। तो भोजपुरी में बताओ लिट्टी के अंदर में क्या क्या है। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमको लगता है मेरा लेंस पे कोई स्क्रैच भी हो गया है। ये पूपे जो है ना, खाली पीली कैमरा को लेके कभी कभार खोल के देखती रहती थी, उसी से हमको लगता है लेंस पे स्क्रैच हो गया। खैर कोई नहीं, फिर देखते हैं जो आगे होगा होगा। अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग हो गए तैयार। तैयार किस लिए? क्योंकि शादी है यहाँ पे एक, तो उसी शादी के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। मैं हो गया तैयार। एक्चुअली आज शादी नहीं, यहाँ पे ये बिहारी रस्म में शादी के पहले दिन मड़वा होता है। तो मड़वा क्या है फिर आगे देखेंगे मड़वा क्या है। तो वही एक मेरा ऑफिस कॉलिग है मनीष करके, मनीष का शादी है एक्चुअली कल, तो आज मड़वा है। तो हम लोगों का ये देखो, इसको ये तैयार होके क्या बोल रही है, क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो हाय। तो यही है सीन। तो अभी निकलते हैं, स्वागत हो रही तैयार। अब तक स्वागत तीसरी साड़ी ट्रायल कर चुकी है, मगर साड़ी फाइनल नहीं हो पाया, इसलिए लास्ट में जाकर सूट पहन ली। तो फिलहाल हाँ, अभी ऑलमोस्ट हो गई तैयार। हाँ उधर तैयार हो रही है। कहा इधर हेलो कर दो। तो तैयार हो गई है, अभी निकलेंगे, फिर आगे देखते क्या है मड़वा। हाँ तो यही है मड़वा एक्चुअली, जिसमें दूल्हा को जाना पड़ता है सर पे कोई कपड़ा टांग के मंदिर तक, और वहाँ पे कुछ घाट वाट का काम होता है। एक्चुअली हम लोगों को जाना था मड़वा में मनीष के साथ, मगर इतना लेट हो गया कि आज नहीं जा पाए। तो घर पे आ गए तो यही खत्म हो रहा है। क्या ये एक रिचुअल है मड़वा का, जिसमें के जो दूल्हा के साथ और पांच लड़कों को साथ में एक कोई पेड़ है उसको स्थापना करना पड़ता है, जो इन लोगों का पूजा का नियम है। उसमें मैं भी शामिल हो गया था, मेरे साथ एक ऑफिस का और एक स्टाफ भी हो गया था। आई थिंक कोई शादीशुदा आदमी ही दूल्हा के साथ हाथ मिला सकता है, ऐसा ही हुआ था। तो यही है रिचुअल। आज ये मनीष का शादी है, इस दिन तो शादी तो हो गया, मगर ये पूते और पूते का फ्रेंड तो नाचने में पूरा व्यस्त एकदम, डीजे मिल गया उसको। एलेक्सा स्टॉप। ये लास्ट वीक जो था ना बहुत बेकार गया, नहीं लास्ट वीक नहीं, वो दार्जिलिंग से आने के बाद से थोड़ा मेरा ऑफिस का भी ठीक हो गया और कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो गया था। पुपे को आने के बाद अच्छा खासा सर्दी लग गया, इसलिए मोटा मोटी स्वागत था 10-12 दिन हो गया था घर से नहीं निकली। कल भी हम लोग तो कल से पुपे का थोड़ा सा तबीयत ठीक था, तो इसलिए कल हम लोग निकलने का प्लान किए थोड़ा इवनिंग में, मगर हमारी पुपे रानी को तो बाहर नहीं निकलना था। इसको पूछने से बोलते बाहर जाओगी, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम घर में ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद जा, सही बात है, थोड़ी देर बाद जाते, तो कल भी नहीं निकले, इसीलिए आज हमारे स्वागता को तो सुबह से माता रानी का प्रकोप हो गया था कि अगर ये आज नहीं निकल पाती तो घर में तो भूखा माना था, और मैं अच्छा वाला आदमी मेरे ऊपर आ जाता भूखा। इसीलिए अभी हम लोग थोड़ा सा घूम घाम के आए, वही जो वी मार्ट में गए थे, सामने एक वी मार्ट टाइप का है वहाँ पे, जिसको पुपे बिग बाजार बोलती है। अच्छा पुपे कोई भी बाजार को, सब इवन सब्जी बाजार को भी वो बिग बाजार ही बोलती है। तो वही गया था, कुछ छोटा मोटा चीज वगैरह खरीद के आए, और हम लोग इस सीजन का फर्स्ट ब्रोकोली खाना था और पुपे को ब्रोकोली दिखाना था। तो कल मैं सब्जी मंडी में देख के आया था एक जगह में, एक मतलब जो हमारा नियरेस्ट सब्जी बाजार है वहाँ पे हम लोग देखे थे कि ब्रोकोली था, तो हम लोग सोचे कि जाते वहाँ पे ब्रोकोली ले लेते, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाने के बाद देखे कि ब्रोकोली नहीं है। तो ये ब्रोकोली मिलना हम लोग के लिए मिशन बन गया था, क्योंकि पुपे को एक बार कान में चला गया हमको ब्रोकोली खाना है, बस उसको जिद नहीं एक्चुअली उसको क्यूरियोसिटी हो गया, क्योंकि हाँ वो कार्टून में ज़्यादा देखी थी कि ब्रोकोली होता है बहुत अच्छा सब्जी है,
तो वो एक क्यूरियोसिटी उसमें आ गया था कि उसको ब्रोकोली देखना है, तो बहुत ढूंढ डांट के हम लोग ब्रोकोली लाए हैं, तो और साथ में गरम गरम जलेबी खा के आए हैं। कल का दिन बहुत अच्छी तरह बिताए ताकि ये स्ट्रेस पूरा चला जाए। क्यों पॉटी? तो अभी प्लान किए थे हम लोग के स्विगी में पनीर टिक्का कुछ ऑर्डर देंगे, आज हम लोग का वेज है, कुछ अच्छा वाला खाएंगे, मगर ये छोटा मोटा टाउन है, आई डोंट थिंक अभी 9:40 है और स्विगी में कुछ मिलने वाला है, देखते हैं, कुछ मिला तो अच्छी बात है, ऑर्डर देंगे, नहीं तो नहीं। और क्या ऑर्डर डन? हाँ, पनीर टिक्का, मलाई पनीर टिक्का ऑर्डर डन। सो क्योंकि तुमको वीकेंड आने से या कुछ आने से बुखार चढ़ जाता है, और बुखार की बात नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग लास्ट मोटा मोटी 4-5 दिन से वी आर इन डाइट, टुडे इज अ चीट डे, सो हम लोग आज ही खा लेगा, उसके बाद थोड़ा सा भी पेट निकलेगा ना, ऐसे देखिए मैं ना, तुम जो वो उस दिन पनीर खिलाए या तुम उस दिन तो चिकन खिलाए, ऐसे अगर बोलोगे ना तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज आज और कल थोड़ा सा चीट डे। गुड मॉर्निंग, हम लोगों का गुड मॉर्निंग इतना लेट हो जाता है ना, क्या बोले, 8 बज रहा है अभी, संडे 8 से ज्यादा हो चुका है आई थिंक। एक्चुअली क्या है, ये कुछ दिन से फूफा रात को सोने के बाद बहुत प्रॉब्लम करती है, कूदने लगते हैं बेड पे नींद में, उसको इधर से उठा के लेके आते, उधर से उठा के लेके आते, ठंड में कंबल के नीचे से निकल जाती है, उसी की वजह से उसका सर्दी भी कम नहीं हो रहा था। क्या छोड़ो, जो भी है, जो भी गया वीक वीक, अभी वीकेंड्स बहुत बढ़िया होना चाहिए, आज बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाएगी, सीजन का पहला ब्रोकली है, तो हम लोग आज जो कल बहुत मेहनत से हम लोग खरीद के लेके आए हैं, तो पुपे को उपमा बना के देंगे और हम लोग खाएंगे फुल ऑफ वेजिटेबल्स के साथ एक बढ़िया सा चाउमीन नूडल्स। मतलब चीट डे है तो पूरा फुली चीट डे मार देना है। हाँ, रात को लिट्टी चोखा खाना है। अरे अभी बोल दिए कि हम तो बोले थे रात का सस्पेंस है, टिपिकल बिहारी फूड। खैर कोई नहीं, ऐसे भी आगे नहीं तो बाद में बोलना ही है। हाँ। दोपहर को भी एक जगह में एक फैमिली इन्विटेशन है, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा गेट टुगेदर की तरह, वीकेंड्स है बोल के अपने फैमिली फ्रेंड्स है उधर ही, हम लोगों से भी ज्यादा पुपे को मजा आएगा क्योंकि पुपे का फ्रेंड वहीं पे रहती है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सो अभी आज तो दिन बहुत बढ़िया गया, सुबह से बैक टू बैक प्रोग्राम, अच्छा ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद हम लोग लंच में भी इनविटेशन था एक जगह में तो करके, यहाँ पे थोड़ा लाइट होगा, उसमें पुपे को भी बहुत मज़ा आया क्योंकि वो एक ईशान का फैन, ईशान करके एक फ्रेंड है जिसका घर में और एक बच्चा है, तो उसको भी अच्छा टाइम बीता। सबसे बड़ा एक्साइटेड जो है इस हफ्ते का, अभी जा रहे हैं हम लोग, मेरा एक ऑफिस का बैचलर प्रोग्राम है, बैचलर स्टाफ लोगों का गेस्ट हाउस में, क्या है लिट्टी का, तो ये लिट्टी जो है बिहार का सबसे फेमस खाना है और इस ठंड के टाइम में सबसे मजा आता है इसको सेकने वाला, अभी चलेंगे वहीं पे दिखाते हैं। और ये बन रहा है क्या नया चूल्हा, और एक लॉट गिरेगा इसमें, यार पूरा नेचुरल मतलब ओवन बन गया तो पूरा एकदम, अरे वाह इतना बढ़िया चल रहा है, मैं तो यही है लिट्टी है ना, तो भोजपुरी में बताओ लिट्टी के अंदर में क्या क्या है, बोलो ना, अरे भोजपुरी में बताओ, प्योर बिहारी खाने के साथ बिहारी भाषा ना होना चाहिए, इसमें अंदर से चना का सत्तू है। अरे तुम हिंदी में मत बोलो, तुम भोजपुरी में बोलो, चना के सत्तू बा, भूत के सत्तू बा, एकदम ठेठ भोजपुरी बोलो तब ना लगेगा, चना के सत्तू बा अंदर, चना के सत्तू बा अंदर, धनिया पत्ता, अजवाइन, अंग्रेजी, जीरा खड़ा भूख के डालल बा, अरे वो अचार का तेल नहीं डाले इसमें, और नींबू, अरे देखो देखो हाथ जल जाएगा, और हो गया लिट्टी चोखा का मतलब मेरा हो गया खाना, मैं वहां पे खा के आया, अभी स्वागत था लिट्टी और
एक्चुअली चोखा नहीं ला पाए, टिफिन में जगह नहीं था, तो लिट्टी और चिकन खा रही है। क्या कैसा है? कैसा है बोलने से पहले बताना पड़ेगा, मतलब जैसे लास्ट 6 ईयर्स से मैं 6 ईयर्स से हम लोग कटिहार में हैं, बिहार में हैं। अच्छा कोई पूछ रहा था मैं कहाँ कहाँ कटिहार बिहार में, तो इम्प्रेशन यू बिहार होता है नेचुरल है, मतलब नेचुरल है मतलब यही एक्सप्रेशन ही आता है, और उसके बाद आता है कि वो बिहार में लिट्टी चोखा खाया हो ना, लिट्टी चोखा खाया है ना। कैसा है मतलब कैसा है का इम्प्रेशन भी ऐसा आता है थोड़ा नेगेटिव, मतलब बहुत ही घटिया कुछ होगा। उन सब लोगों से बोलना चाहेंगे थोड़ा आइएगा, थोड़ा खिलाएंगे खिलाएंगे, मगर ये हम लोग बना भी नहीं पाएंगे, इसके लिए सही में अलग कला चाहिए। वो मैं दिखाया ना, एक्चुअली ये जो है ना थोड़ा एक टीम वर्क टाइप का ये बनाना, वो वीडियो में तो आप लोग देखे होंगे बनाना जो है, वो जो अभी खा के आया ये जो हम जगह नहीं थोड़ा हार्ड हो गया, अभी हम सेक के लिए फिर लेकिन ये उधर ही गरम गरम खाके खाने का जो आनंद है। एक एक जगह का एक एक कल्चर है, यहाँ पे क्या है जैसे लड़के लोग कुछ भी हुआ चलो आज लिट्टी चोखा का पार्टी करते, तो क्या थोड़ा बहुत खाली जगह में बैठ के ठंड के मौसम में आग जला के उसको सेक के उसी में गप्पे पे मार रहे, तो उसका भी एक अलग माहौल बनता है, उसको खाने का तो अलग ही मजा है। सो अच्छा ही बीता, बहुत उल्टा सीधा हेक्टिक लाइफ के बाद हफ्ता एक ही है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। पुपे पुपे ए पुपे बोला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब 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 क्या करोगे? अच्छा ब्लॉगिंग करोगे? ओके बाय बाय बोलो, ओके बाय 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 बाय।